अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ रिशा, घरेलू सिंपल रेसिपी के साथ। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिल सके। और आज हम बना रहे हैं कीमा। चलें हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। अब हम इसमें घी डालेंगे। एक कप हमने घी का लेना है। प्याज लेंगे हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखें आप, हमने बड़े गोश्त का आधा किलो कीमा लिया है। ये देखें आप, प्याज फ्राई हो चुका है, थोड़ा सा ब्राउन हमने किया था। अब हम इसमें कीमा डालेंगे और कीमे को फ्राई करेंगे इसके अंदर ही। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फिर इसमें हम आपको बताते हैं और क्या चीज़ें डालनी है। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें दो टमाटर डालेंगे और दो चम्मच लहसुन के। अब इसको हम मिक्स करेंगे। फ्राई करके कीमा बनाना बहुत ही आसान तरीका है और यह मिनटों में तैयार हो जाता है। ज़्यादा हमारा टाइम नहीं लगता इसमें। हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, वो हम हाफ चम्मच डालेंगे क्योंकि हमने और भी मसाले डालने हैं। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे हाफ चम्मच, नमक डालेंगे हाफ चम्मच। अगर आप जितना चाहे आप हसब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। हमने इसमें पानी नहीं डालना क्योंकि टमाटर अपना पानी छोड़ देगा और कीमे ने भी अपना पानी छोड़ देना है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए ढक देते हैं। आंच हमने कम कर दी थी, ये देखें आप, ये देख सकते हैं आप। अब हम इसमें कढ़ाई मसाला ऐड करेंगे, वो हमने एक चम्मच डालना है क्योंकि हमने मिर्च कम डाली थी, उसके अंदर भी मिर्च और नमक होती है, तो कढ़ाई मसाले की हम एक चम्मच डाल देंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं और 5 मिनट हम इसको पकाएंगे और फिर हम इसमें अदरक डालेंगे। एक चम्मच हमने अदरक का लिया है और इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए। तब तक हम धनिया काट लेते हैं। धनिया हम काट रहे हैं और साथ में हम हरी मिर्चें भी काटेंगे, वो भी हमने चॉप कर लेनी है। कीमे में हरी मिर्च हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि बहुत अच्छी लगती है। इस तरह अब हम हरी मिर्चें चॉप कर लेंगे। 4 हमने हरी मिर्चें ली हैं। मिर्चों को हमने अच्छी तरह चॉप कर लेना है और ये देखें अब ये चॉप हो चुकी है। कीमे को हमने भून लिया है। अब हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे जो हमने चॉप की थी। 4 हरी मिर्चें ली थी हमने, वो हम इसमें डाल देते हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखो कितना अच्छा कलर लग रहा है हरी मिर्चों का, ग्रीन ग्रीन। सूखा धनिया डालेंगे हम एक चम्मच और हाफ चम्मच हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। हम मसाले में अब इसको भुनेंगे थोड़ी देर और 2-3 मिनट, फिर हम इसमें धनिया डालेंगे। अब हम हरा धनिया डाल लेते हैं और थोड़ा सा गरम मसाला इसमें और डालेंगे हाफ चम्मच। कीमा रेडी हो चुका है। अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। बहुत मज़े का कीमा बना है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कीमा बना है और बहुत ही मज़ेदार। अब हम इसको खाते हैं, इंजॉय करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिल सके। अब हम मिलेंगे अगली न्यू रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।